नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्किल इंडिया मार्ट से एक बार फिर आप सबके सामने पेश हुआ हूँ अपने पांच सवाल लेकर। आप सबके सामने फिर से हमारे बीच में है रिंकू मनचंदा जी, ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन के डायरेक्टर। सर स्वागत है आपका। नमस्कार बलराज जी। नमस्कार सर, मैं आज अपने पांच सवाल लेकर आया हूँ सरकार की नई शिक्षा नीति के बारे में। रिंकू सर, जैसा कि आपने पिछले इंटरव्यू हमसे कहा था कि जो ये शॉर्ट टर्म के कोर्सेज होते हैं स्किल इंडिया में, इनको करके भी बच्चा लंबे कोर्सेज ना करके एक रोजगार प्राप्त कर सकता है, और इस बात के ऊपर ही सरकार ने भी अब एक कदम उठाया है इस शिक्षा नीति के तहत। तो मेरा आज का पहला सवाल आपसे ये है कि भारत सरकार की ये नई शिक्षा नीति क्या है, और आप इसको दूसरे देशों की शिक्षा नीति से कैसे रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं प्लीज। बलराज जी, सबसे पहले तो मैं आपका और स्किल इंडिया मार्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे एक बार फिर आपके चैनल पर आकर नई शिक्षा नीति के बारे में बताने का अवसर प्रदान किया। बलराज जी, भारत देश की एजुकेशन नीति के बारे में बात करूं तो हमारे देश के अंदर पहली एजुकेशन नीति 1968 में लागू की गई थी जी। उसके बाद जो इसके अंदर एक रिफॉर्म किया गया वह रिफॉर्म 1986 में लागू हुआ था जी। और मैं अगर भारत की आज की 2020 की शिक्षा नीति का कंपैरिजन दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और चाइना से करता हूं, तो अमेरिका ने यह शिक्षा नीति जो आज भारत ने 2020 में लागू की है 1917 में लागू की थी। आज अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की उस एजुकेशन नीति के कारण फेसबुक के मालिक जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स, वैरन बफेट जैसे लोग अमेरिका के अंदर उस एजुकेशन नीति की वजह से ही पैदा हुए हैं जी। अगर मैं आज चाइना की बात करता हूं तो चाइना अगर आज एक महाशक्ति के रूप में उभरा है तो चाइना ने यही एजुकेशन नीति 1996 में लागू की थी, और आज भारत के अंदर जो यह एजुकेशन नीति लागू हुई है 2020 के अंदर, तो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर भारत को तीसरी महाशक्ति के रूप में उभरने से कोई नहीं रोक सकता। और यही अगर आप माने कि यही एजुकेशन नीति अगर भारत ने 1986 में लागू कर दी होती तो आज भारत कहाँ होता। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज यह एजुकेशन नीति देश के अंदर लागू की है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर ये पहले लागू हो गई होती तो इसका कुछ और प्रभाव होता, बहुत अच्छे। खैर, मैं अपने अगले सवाल पर चलता हूँ। रिंकू सर, आप मुझे ये बताइए कि भारतवर्ष में, हमारे देश में इस शिक्षा नीति से क्या नए बदलाव होंगे, इसके बारे में जरा प्लीज। बलराज जी, ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ना जी, इस नई एजुकेशन पॉलिसी से आप थोड़े समय के बाद देखेंगे कि भारत के अंदर घर घर के अंदर एक छोटी छोटी इंडस्ट्री पैदा होनी शुरू हो गई है जी। वोकेशनल एजुकेशन जब हम बच्चों को सिक्स्थ क्लास से शुरू कर देंगे तो वो बच्चा जो 5 साल 10वीं क्लास तक पास करते हुए कोई एक स्किल अपने अंदर पैदा करेगा तो उस स्किल के बेस पे हर घर के अंदर एक छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पैदा होगी। सरकार लोन देकर छोटे छोटे उद्योग खड़े करने में मदद करेगी। ये छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ हमारे बड़े जो उद्योग हैं, बड़ी जो इंडस्ट्री हैं, उनके लिए एक पूर्ति का काम करेंगी। जैसे आज मान लो एक कार बनाने वाली कंपनी है, उस कार बनाने वाली कंपनी के अंदर उसके नट बोल्ट कोई छोटी कंपनी बनाती है, कोई छोटी इंडस्ट्री बनाती है जी, बिल्कुल। उसका जो मिरर होता है वो कोई और छोटी कंपनी बनाती है, उसके अंदर जो क्लच प्लेट लगी होती है, जो गेयर बॉक्स लगे होते हैं, उसका हर पार्ट अलग अलग छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ बनाती हैं। वह बड़ी कार बनाने वाली कंपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रियों से वो सारा सामान उठाती है, अपने स्टैंडर्ड को मैच करती है और उसको असेंबल करके मार्केट के अंदर बेच देती है। जो एक आत्मनिर्भरता भारत ने इंडस्ट्री के मामले में विदेशों पे पैदा कर ली थी, खास करके चाइना पे पैदा कर ली थी कि हमारे देश में
गुब्बारे से लेके छोटी छोटी बच्चों के खिलौने से लेके हर चीज़ चाइना से आने लग गई थी। यह सारी चीज़ इस वोकेशनल एजुकेशन से भारत के अंदर बनने लगेगी। हर घर के अंदर एक इंडस्ट्री पैदा होगी। अगर आप आज चाइना में जाके देखेंगे तो चाइना में आज घर घर में इंडस्ट्री लगी हुई है। हर घर, उस घर के अगर 4 मेंबर हैं तो 4 के 4 मेंबर उस इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। भारत में भी यही होने वाला है अगले 5 से 10 सालों में। जी इससे मेरे देश की, हमारे देश की तस्वीर पूर्ण रूप से बदल जाएगी। इसका मतलब है आप ये कहना चाहते हैं कि हर घर में हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल रोजगार की बात आपने की तो मुझे एक अच्छी जो आपकी सोच है और जो देसी ग्रोथ है वो दोनों मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी पर मेरा अगला आपसे सवाल है, तीसरा सवाल मेरा, आपने रोजगार की बात की है तो इस नई शिक्षा नीति को आप रोजगार से कैसे जोड़कर देखते हैं? बलराज जी, अभी आपके पहले सवाल के अंदर मैंने आपको दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और चाइना के बारे में जिक्र किया जी था। बिल्कुल। अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो मैं आपका ध्यान, बल्कि इस आपके इस इंटरव्यू के अंदर पूरे देश के सामने दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो रोजगार की दर है, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, वो 35% है जी बिल्कुल। मात्र। मतलब इसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपको अगर समझाना चाहूँ तो हमारे देश के अंदर 100 लोगों के अंदर से मात्र 35 लोग काम करते हैं, और जी ये 35 लोग अपना खुद का भी और बाकी 65 लोगों का भी, मतलब ये 35 लोग 100 लोगों का पेट भरते हैं। अगर मैं यही एम्प्लॉयमेंट की बात, रोजगार दर की बात अमेरिका से कंपेयर करता हूँ तो अमेरिका के अंदर यह रोजगार की दर 60% है। मतलब वहां पे 100 में से 60 लोग काम करते हैं और 40 लोग उनके ऊपर निर्भरता है उनकी। और अगर मैं यही आपको चाइना से कंपेयर करता हूं तो जी चाइना के अंदर यह रोजगार की जो दर है वो 65% है, भारत से लगभग दुगनी है। चाइना के अंदर 100 में से 65 लोग काम करते हैं और मात्र 35 लोग उन 65 लोगों पर डिपेंडेंट हैं। बलराज जी, आप सोच के देखिए, अगर आज इस शिक्षा नीति की वजह से अगले 5 या 10 साल के अंदर भारत में 65% लोग रोजगार पे पहुंच जाते हैं तो भारत की जो जीडीपी है वो आज से लगभग 3 गुना होगी। जी बिल्कुल। ये आपने एक बहुत ही सटीक बात कही है और एक गहरा मुद्दा उठाया है। हमारे जीडीपी का कम रहने का एक रीज़न यही है कि हर व्यक्ति के पास रोज़गार नहीं है। आपने सही कहा कि 100 में से 35 लोग काम कर रहे हैं और बाकी उनका उन पर डिपेंड है। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, ये जो फॉर्मूला है 5 + 3 + 3 + 4, इस फॉर्मूले को ज़रा डिटेल से बताएंगे आप हमारे दर्शकों को प्लीज। बलराज जी, जो अभी हमारे देश के अंदर शिक्षा नीति चल रही थी जी वो 10 जमा 2 के ऊपर चल रही थी। जी 10वीं तक हमारी स्कूलिंग एजुकेशन चलती थी, उसके बाद +1 +2 हम लोग करते थे और उसके बाद हम लोग डिग्री कोर्सेज में चले जाते थे। जी बिल्कुल। अब जो ये बदलाव हो रहा है उसके अंदर 5 साल तक बच्चा बेसिक एजुकेशन के ऊपर पढ़ेगा, जी उसके बाद 3 साल तक उसको अक्षर ज्ञान और मैथ के चीज़ों के बारे में उसको पढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल। 8 साल के बाद बच्चा 6th क्लास के अंदर जब पहुंचेगा तो वहां से बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। जी जो ये लास्ट के आपने बताया कि 5 + 3 + 3 + 4, जी ये जो +4 है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव सरकार ने किया है। ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम इसके अंदर आया है। अब से पहले +2 करने के बाद अगर कोई बच्चा 3 साल या 4 साल के किसी डिग्री कोर्स में प्रवेश लेता था जी और किसी कारणवश अगर वो बच्चा अपने डिग्री कोर्स को बीच में छोड़ देता था तो उस बच्चे को कोई भी डिग्री का लाभ नहीं मिल पाता था और वो +2 ही रह जाता था। बिल्कुल। अब इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अगर कोई बच्चा डिग्री कोर्स में प्रवेश लेता है और वो मात्र 6 महीने डिग्री को करने के बाद किसी भी परिस्थिति के अंदर अपने किसी भी पारिवारिक कारण से डिग्री से बाहर आता है जी तो उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। जी उसके बाद बच्चा मान लो दोबारा स्टडी के अंदर आता है तो, और वो 1 साल अपना पूरा कर लेता है तो उसको जी डिप्लोमा पूरा
प्रोवाइड कर दिया जाएगा जी। उसके बाद वो बच्चा हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से, कहीं उसको बाहर जाना पड़ गया, कोई पार्ट टाइम काम करने लग गया, किसी भी यूनिवर्सिटी से दूसरे साल में सीधा प्रवेश ले सकता है। 2 साल पूरे करने के बाद उसको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, उसकी डिग्री बीच में कहीं ख़राब नहीं होगी। और अगर मान लो 2 साल के बाद भी उसको थोड़े समय का कोई ब्रेक लेना पड़ता है और वो कुछ समय के बाद जाके फिर तीसरे साल में प्रवेश लेना चाहता है, तो उसको सीधा थर्ड ईयर में ही प्रवेश मिलेगा और थर्ड ईयर को पूरा करके उसको उसकी डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। और ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम एक यूनिवर्सिटी में ही लागू नहीं होगा। एक यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया और वहाँ से आपने 1 साल पूरा किया और दूसरा साल आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से पूरा करते हो और तीसरा साल किसी और तीसरी यूनिवर्सिटी से पूरा करते हो, तो भी आपको डिग्री गवर्नमेंट के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान की जाएगी। ये एक बहुत बढ़िया एजुकेशन मॉडल गवर्नमेंट ने शुरू किया है जी। इसके बेस पे हमारे देश को आगे बढ़ने से, आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा जी। मंजिला सर, आपने बहुत ही काफ़ी सटीक जानकारी दी है इस शिक्षा पद्धति के बारे में। जाहिर है कि उन बच्चों का भला होगा जो ड्रॉप आउट के जाल में फंस जाते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर था आपका। मैं आपसे अब अपना अंतिम और आखिरी सवाल करना चाहूँगा। आप मुझे बताइए कि इस शिक्षा पॉलिसी के साथ आप, यानी कि ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन, अपना योगदान कहाँ देता है देश के लिए? बलराज जी, ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि ग्रामीण शिक्षा प्राइवेट लिमिटेड की एक यूनिट है जी, बिल्कुल। और पिछले 10 साल से ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है जी। अब तक 25,000 के करीब बच्चों को स्किल ट्रेनिंग देकर, वोकेशनल ट्रेनिंग देकर रोजगार के काबिल बना चुका है जी। अगले 2 साल के अंदर इस नई शिक्षा नीति के आने के बाद हमने यह प्रण किया है कि हम पूरे देश में लगभग 1,000 स्किल सेंटर ओपन करेंगे जी। और उन स्किल सेंटर के बेस पे हम ये वोकेशनल ट्रेनिंग को नई शिक्षा नीति के तहत प्रमोट करेंगे और देश के आखिरी गांव तक पहुंचकर हमारे युवाओं को रोजगार के काबिल बनाकर, रोजगार तक पहुंचाकर ही हम लोग रहेंगे इसके अंदर और उनको रोजगार के काबिल बनाएंगे ही बनाएंगे। बहुत बढ़िया मंजना सर, आपके 1,000 सेंटर के लक्ष्य का मतलब है कि आप हर जगह पर स्किल को पहुंचा पाएंगे, हर उस बच्चे तक पहुंच पाएंगे जिसको इस तरफ जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। नमस्कार बुल्ला जी। दोस्तों, ये थे मनचंदा सर, रिंकू मनचंदा, ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट मिशन के डायरेक्टर। दोस्तों, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, स्किल इंडिया परिवार को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद आप सबका। और हम बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ईमानदारी से आप तक वो हर जानकारी पहुंचाते हैं जिसकी आपको जरूरत है, चाहे वो स्किल से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, या किसी भी फील्ड से हो, हम आपके पास सबसे पहले पहुंचते हैं। अपना ये प्यार बनाए रखें। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।